साथियों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही खुशखबरी लेकर के उपस्थित हैं। वो क्या है? एक बहुत बड़ा तोहफा आपके लिए है। मतलब एक प्रकार से ऐसे इसे समझ सकते हैं, शुद्ध भाषा में जिसे अवार्ड या सम्मान बोला जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करने के लिए कुछ सम्मान दिया जाता है। उसी तरह से YouTube में जो भी क्रिएटर कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करते हुए एक निश्चित मुकाम पर पहुंचते हैं, उन्हें अमेरिका की कंपनी Google और YouTube के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और उसी के क्रम में हम ये आपके सामने गिफ्ट लेकर के उपस्थित हैं। वो क्या है? ये आप सभी 1 लाख साथियों का प्यार और मोहब्बत इसमें भरा हुआ है। इसकी अगर एक प्रकार से कीमत देखें तो मार्केट में कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक अच्छे नज़रिए से देखें तो इसकी कीमत जो है वो अमूल्य है। इसके साथ में कुछ कागजात हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और कागज़ के साथ साथ इसमें YouTube के CEO जो हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुसान वोजिस्की जी के तरफ से एक लेटर भी है। तो सबसे पहले इस लेटर को आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है इसमें। इस लेटर में इतना ही लिखा गया है कि आपने अभी हाल ही में कुछ ऐसा किया है जो बहुत कम लोग करते हैं। 1 लाख लोगों से जुड़ करके आपने बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ साथ आपने हमारी सभी नियम और शर्तों का भी पालन किया। मतलब किसी फ्रॉड तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँचा, नहीं तो आजकल जुगाड़ बहुत चलता है ना? तो ये सब तो बात अलग की है। फिलहाल इसमें और भी बहुत कुछ है जो कि हम आपको यहाँ पर सब कुछ नहीं बता सकते या नहीं दिखा सकते, टाइम की कमी है। तो मेन चीज़ दिखाते हैं आपको जो है इसमें होता क्या है। ये एक सिल्वर प्ले बटन, जिसे सिल्वर अवार्ड या फिर जो भी नाम से आप समझें बोला जाता है, जिसका वज़न लगभग में 2-3 किलो का होगा। और ये आप लोगों का बहुत सारा सवाल होता है, क्या ये सिल्वर का है? तो ये सिल्वर या चांदी का नहीं है, लेकिन इसकी खासियत जो है वो आप समझेंगे जब पूरा समझेंगे बात को तब। साथियों, ये जिसका भी जो भी क्रिएटर हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने पर उनको दिया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी नियम और शर्त होती है, कंडीशन होती है, अगर आप उसके काबिल बनते हैं तब। बाकी YouTube से पैसा कमाना और सब्सक्राइबर जोड़ना ये सब तो आम बात है, लोग इधर उधर का वीडियो भी डालते हैं तब भी लोग जुड़ते हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि PVR स्टडी में जो हमारे 1 लाख से अधिक आप सब के द्वारा इतने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वो सभी सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं हैं बल्कि स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई में इसमें कुछ पुलिस विभाग में हैं, कुछ आर्मी में हैं और कुछ गवर्नमेंट टीचर भी हैं जो प्राइमरी में इस समय कार्यरत भी हैं। वो लोग इस क्लास को क्यों देखते हैं, हमारे साथ क्यों जुड़े हुए हैं? आप जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और हर एक विभाग में प्रमोशन होता है, तो हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। और हम आपको एक बात बता दें, आपने देखा होगा हम कभी आपको नौकर बनाने के पर्पज से नहीं पढ़ाते कि आप नौकरी पा जाएं या फिर नौकरी कर लें। हम आपको अपने कदमों पर मजबूती से खड़ा होना सिखाते हैं, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ऑल इंडिया में जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, आप भारत में उपलब्ध जो भी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से किसी भी जगह से ऐसा नहीं जहाँ से कोई ना हो। अगर कुछ एकाध दो छोड़ दिया जाए, लगभग हर जगह से कोई ना कोई है। जिसमें PVR स्टडी के 3 चैनल हैं, पढ़ाई वाले, एक चैनल है ब्लॉग का। तो तीनों में मिला करके लगभग 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सभी जो आप सामने देख रहे हैं, इनके पीछे किसका रोल है, आपने कभी सोचा था? नहीं। साथियों, सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो उसमें अपने पूज्य माता जी श्रीमती विद्या देवी जी को और पिता श्री पृथ्वीपाल जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि
कि हम आपके सामने बोल सकें। और दूसरी बात, हमारे गुरुजनों में जिन्होंने चलना सिखाया, मतलब एक प्रकार से इस दुनिया में, जिसमें श्री नरेंद्र सिंह और श्री विनोद जी और हनुमान दीन राय जी, जिन्होंने मार मार कर, कूट कूट कर इस तरह से बनाया, इस काबिल बनाया, जो भी तरह से बनाया कि आज आप लोग हमसे सीख सकते हैं। ये तो हुई बात जो आप पहले से भी जानते थे कुछ लोग, लेकिन कैमरे के पीछे किसका रोल होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। पीवीआर स्टडी में ये जो भी स्टूडेंट्स लाखों जुड़े हैं, इसमें हमने कुछ नहीं किया अकेले, आप लोगों ने एक दूसरे को जोड़ा। और इसमें जो ये व्हाइट बोर्ड लगा है सामने देख रहे होंगे, इसको भी लेने में बहुत, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, उनका नाम था इस चैनल के एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, श्री अमर सिंह, और दूसरा नंबर श्री आशीष यादव सर। जो दोनों नाम हम आपको बता रहे हैं, ये दोनों इस समय प्राइमरी में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इन दोनों नामों के पीछे जो आपको मैंने बताया, उसमें चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का सहयोग हो, हर समय और हर संभव सहायता के कारण आज पीवीआर स्टडी आप लोगों तक पहुंच चुका। स्टार्टिंग की अगर बात करें तो बहुत लंबी कहानी है, अगर हम पहले पार्ट में सब कुछ बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। किसी भी सफलता के पीछे बहुत बड़ी असफलता भी होती है। एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई का होता है तो एक बुराई का भी होता है, और एक सफलता का होता है तो एक असफलता का होता है। उन लोगों के लिए जो लोग बहुत हताश है, निराश है, परेशान हैं, उनके लिए एक ही सजेशन है कि दुनिया में जन्म सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं होता है। अब आप लोग कहेंगे कि कुछ लोग बहुत तरह का कमेंट करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, इसमें कुछ लोग सुन भी रहे होंगे, उन्हें बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी करें, सरकार का नौकर बने। जहाँ तक हमारा मानना है कि सरकार का नौकर बनने से अच्छा है अपनी एक छोटी सी झोपड़ी का मालिक बन जाओ। मतलब नहीं समझ पाए होंगे आप, कुछ भी आप कर सकते हैं, ये तो एक पढ़ाने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था उस समय जब हम यहाँ पर उपस्थित हुए। इसके बारे में और आगे हम बात करेंगे अगले पार्ट में, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, पीवीआर स्टडी को यहाँ तक पहुँचाने में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, उनके बारे में हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आपने देख लिया बेसिक में माता पिता और गुरुजनों का सहयोग, दूसरे बात अगर उसके आगे चलें तो इसमें पढ़ाई के समय की बहुत पुरानी कहानी है जो कि हम यहाँ पर पूरा नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसमें अगर सहयोगियों की बात करें तो कुछ टीचर गण हैं, कुछ मित्र गण हैं। आप जानते हैं कि खून का रिश्ता से ज़्यादा पसीने का रिश्ता महत्वपूर्ण होता है, मतलब मित्रता जो होती है कभी कभी वो खून के रिश्ते पर भी भारी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है, जिसमें से हम आपको बता दें कि इसमें शिक्षक गण के रूप में श्री अमर सिंह, श्री आशीष यादव, और आपने देखा होगा कुछ क्लासें इसके पहले, जिसमें से जो नाम हम आपको बताएंगे, कुछ लोगों ने टीचिंग किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, लेकिन बोर्ड के सामने नहीं तो वो कैमरे के पीछे तो किया है, मतलब हमें तो बताया, सिखाया कैसे क्या करना है, कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं। तो उसके बाद अगर टीचर गण की बात करें तो आपने देखा होगा मोहम्मद सोनू सर, जो कि जिनका पूरा नाम सोनू अहमद, उन्होंने आपको बायोलॉजी पढ़ाया था पहले, आपने देखा होगा काफ़ी दिन तक। राहुल सिंह, अंजलि मैम जो कि इलाहाबाद से, चांदनी मैम जो कि आपने देखा होगा हिंदी की क्लास होती थी गोरखपुर से, और खुशी केसरवानी कौसाम्बी यूपी से। इसके अलावा अगर बात करें इसमें टीचर गण की, राघवेंद्र सिंह सर जो कि आपको पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ाते थे, आप अगर चैनल पर देखेंगे तो ये सारे क्लास मिल जाएंगे। इन लोगों ने भले पूरा टाइम नहीं दिया, मतलब एक प्रकार से आप देख रहे होंगे कि कहेंगे कि क्लास तो मिल ही नहीं रही इन लोग की, उन लोग का अपना अलग करियर है, अलग फ्यूचर है, अलग कुछ करना है। तो जितना जिसके पास भी हो सका, भले कोई 10 ही क्लास दिया,
लेकिन उसका योगदान तो है ना इसमें, एक ही क्लास दिया लेकिन उसका योगदान तो है ना, भले 5 ही लोग जुड़े हैं उनके माध्यम से लेकिन उनका योगदान तो है ना इसमें। और इसके आगे अगर इसमें और आगे बात करें तो रिया वर्मा, कृष्ण कुमार शुक्ला और कुछ ऐसे भी मित्रगण हैं, कुछ ऐसे भी टीचरगण हैं जो हम यहाँ पर सभी का नाम नहीं अगर बता सकते तो माफ़ करिएगा, इन लोगों ने बहुत ही एक प्रकार से परिश्रम से आप लोगों तक पहुँचाया हमें। और अगर किसी को हमारी किसी भी बात से बुरा लगता है तो माफ़ करिएगा, लेकिन जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये सभी हकीकत हैं। इसके अलावा आपको बता दें अभी हाल ही में हमारे सहयोगी बने श्री हिमांशु सर, जो कि इजी डेरिवेशन चैनल का निर्देशन करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी साइंस की क्लास आप देख सकते होंगे। और अगर कुछ मित्रगण की बात करें जो कि आपके सामने तो कैमरे पर कभी नहीं आए लेकिन उन्होंने किसी न किसी प्रकार से पीवीआर स्टडी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, चाहे वो कुछ मित्र ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया तो शाम को कम से कम रोटी तो बना दिया कि भाई चलो आप पढ़ा रहे हो, मैं खाना आपका बना ले रहा हूँ। आप जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ होता है, हम कोई ऊपर से नहीं गिरे हैं, ऐसे आप ही की तरह हम लोग भी तैयारी करने के माध्यम से ही इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन अब माध्यम और तरीका और कैरियर सब कुछ बदल चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें इसमें कुछ मित्रगण एवं भाई बहन बंधु भी हैं, जिनमें कुछ ब्रदर सिस्टर भी हैं, उनमें अभिषेक सिंह सर, और आगे अगर बात करें शिव कुमार, महेंद्र, रंजना सिंह, अर्चना यादव और पवन कुमार, कुछ हमारे सीनियर टीचर गण की बात करें जिन्होंने थोड़ा बहुत ही सही लेकिन काफ़ी योगदान दिया, उनमें सुमित सर, सत्येंद्र सर, विनय कुमार, चंदू कुमार और विकास शुक्ला और रितेश यादव का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो साथियों, कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं अच्छी है, सफल है या कुछ भी है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर आपका कोई भी सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन चलते चलते सिर्फ इतना कहना चाहेंगे उन बेरोजगार भाई बंधुओं से कि आपके पास दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको मोटिवेट करने के तरीके से या फिर आपको समझाने, उत्साहित करने के उद्देश्य से ही हमने इसको बनाया। लेकिन आपको एक बात बता दें, जहाँ तक हमारी पर्सनल सोच है कि कोई भी चेंजिंग सरकार या सरकारी डिपार्टमेंट तब तक नहीं कर सकती जब तक आप उसे खुद नहीं करते हो। आप कहते हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, पिछली सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन आप कितना अच्छा कर रहे हो, 24 घंटे का प्रयोग आप किस तरीके से कर रहे हो, कभी खुद का हिसाब लिया है? कभी लेकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ अच्छा ही करते हैं, हम भी बहुत कुछ गलत भी करते हैं, लेकिन आपकी जो अच्छाई का पलड़ा है ना, वो बुराई की पलड़ा से भारी ना होने, मतलब हल्का ना होने पाए, भारी ही होना चाहिए, तभी तक बातें सीमित होती हैं। और आपको बता दें साथियों कि इसके अलावा आपके दो और भी YouTube चैनल हैं पढ़ाई के, जिनका नाम है PBR स्टडी ग्रुप और PBR स्टडी ग्रुप का छोटा चैनल मैथ आसान है। इसके पहले हमने कंपटीशन के उद्देश्य से ही चैनल को स्टार्ट किया था, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे सवाल और समस्याएं आ रही थी कि बेसिक मैथ कैसे सीखें जीरो लेवल से, और इसलिए हमने कक्षा एक से मैथ स्टार्ट किया और आज आप लोगों की फेवरेट क्लास बन चुकी है जीरो लेवल मैथ। तो साथियों, इस पार्ट्स को यहीं पर एंड करते हैं। पीवीआर स्टडी की स्टोरी हम आपको बताएंगे पूरा एकदम स्टार्टिंग से, केवटली कुड़वार सुल्तानपुर से लेकर के प्रयागराज होते हुए दिल्ली तक का पूरा कहानी आपको बताएंगे, क्या है, कैसे, कब, क्यों, कब, कैसे, मतलब जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे होंगे सब बताएंगे। अगला सेशन में इसका पार्ट सेकंड देखिएगा। चलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई समस्या है हमसे या कोई शिकायत है या किसी को हमारी कोई बात बुरी लगी तो क्षमा करिएगा। फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद साथियों। इस वीडियो को मोटिवेट करने के उद्देश्य से ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लेकिन ज़रूर शेयर करें। सम्मान जो है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे उसकी कीमत 1 रुपया भी ना हो। सिल्वर अवार्ड अमेरिका से आया हुआ है, जिसको आने में लगभग 45 दिन का समय लगा, लेकिन फिर भी
है नहीं इसकी कीमत कोई, अगर देखें पैसे में तौलें तो, लेकिन किसी भी सम्मान को पैसे से नहीं तौला जा सकता। गूगल और यूट्यूब जो कि दुनिया में सबसे फेमस, अगर वहाँ से कुछ भी एक तिनका भी मिलता है तो बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है। जिस पर आप लोग अपनी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्याएं खोजते हैं, उस पर अगर कुछ आपका डायरेक्ट उनसे संपर्क हो और कुछ मिले उनके द्वारा, तो कितना अच्छा लगता है। ये सब आप ही के द्वारा संभव हो पाया। थैंक यू।